कि साडे कोल इहो जिहा कुछ नहीं सी जिहदे च कोई विजिबल साइन ऑफ सैक्रिलेज होई। पर ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਸੌਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ 4:30 ਵਜੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਕਿਚਨ ਪੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। पुलिस स्टेशन कोतवाली कपूरथला डेटड 19/12/21 अंडर सैक्शन 295A FIR दे कंप्लेनेंट सी अमरजीत सिंह सन ऑफ भगत सिंह वासी डेरा जां गुरद्वारा साहब निजामपुर मोड़ बादशाहपुर कोतवाली कपूरथल। उस दिन जो हालात सी जो कंडीशन सी वो सारियां तुहाडे कोलों विजिबल सी तुसी सारे हाजिर सी। उस दिन जड़ा लड़का सवेरे वो एलज करता कि 4:15 वो घर डेरे च गुरद्वारा साहब चेंटर किया कि उन्हें सैक्रिलेज की थी, कुछ योजे हरकत कीतिया जिदे न दसण मुताबक धर्म की भावना ठेस पहुंची। असी उस दिन दसिया सी तुहानू मैं ही आप ही दसिया सी कि साडे कोल इहो जिहा कुछ नहीं सी जिदे च कोई विजिबल साइन ऑफ सैक्रिलेज होए। पर लॉ दे मुताबक असी उहदी कंप्लेंट नूं सही मानदे होए केस रजिस्टर कीता सी कायदे नूं फॉलो कीता सी। अगली गल तुहाडे वल्लों सारिआं वल्लों आउंदी सी कि जिहड़ा उहनूं ब्रूटली मर्डर कीता गया कतल कीता गया मारिया गया बिल्कुल सही सी। आई वॉन्ट टू से वेरी ऑनैसटली दैट मेरे SHO मेरे DSP मेरे SP फोर्स प्रेजेंट सी एंड आई एम सॉरी दैट एन इनोसेंट परसन अनआर्म्ड परसन डाइड इन अ ब्रूटल अटैक। बट आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई टीम एंड everyone दैट वी वर एबल टू हैंडल अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड इट वॉज अ सेंसिटिव इशू इट कुड हैव स्प्रेड फार इन द स्टेट। दैट डे वी वर लिटल बिट श्योर दैट देर इज़ अ केस ऑफ मर्डर मेड आउट बट क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं सी हुई जड़ा डिसीज्ड है और सैक्रिलेज का मैटर विजिबली क्लीयर नहीं सी हो रहा। जिनी देर तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगी डिसीज्ड की 72 घंटे वास्ते सानू रखना जरूरी सी। ये पिस्टल एक रिकवर होया सी जड़ा बड़ा सेंसिटिव सी। आई एम अगेन सॉरी कि असी तुहानू एक गल दसी नहीं क्योंकि उस दिन यह तफ्तीश का हिस्सा सी। दौराने प्रेस कॉन्फ्रेंस SHO नाल गल हुई सी और जदों कुछ गल्लां दसियां तो जेनुअनली उन्हां दियां गल्लां नू सही मानदे SHO दी गल नू सही मानदे असी इमीजिएटली FIR रजिस्टर होने वास्ते एक बारी रिव्यू किया कि मैटर वड्डा इशू ना बन जाए। ठीक है हुण असी 72 घंटे तो बाद उहदा पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिहड़ा पढ़ूगा एक नॉर्मल इंसान भी असी तो पुलिस अफसर हाँ साडा तो फर्ज बनता टू अलाओ द लॉ टू सैट इन कोर्स। जिहड़ा नॉर्मल इंसान भी पढ़ूगा वह भी सोचूगा इट वॉज़ अ ब्रूटल अटैक। बेस्ड ऑन आर इनवैसटिगेशन वेरीफिकेशन वी हैव टूडे एडड सैक्शन 302 307 353 186 25/27/54 148/49 120B IPC पिस्टल इज विद अस वी हैव रिकवर्ड। उहदे नाल कैटरेज और जिहड़ी उहने दो गोलियां चलाईयां सी खाली खोल वह भी अवेलेबल। जिहड़े बंदे ने चलाईयां सीगियां वह बंदा अनआइडेंटिफाइड है
लेकिन वो फोटोग्राफ वो वीडियोग्राफ वो हुलिया एफ आई आर के क्रॉस केस के रिकॉर्ड हो गया जड़ा असी क्रॉस केस इस केस के एड किया वो वाइड डी डी आर नंबर 14 डेटड 24/12/21 अज मॉर्निंग एड किया गया तो डी डी आर नंबर 15 के तहत फॉलोविंग द लॉ फॉलोविंग द मैरिट बीइंग ट्रांसपेरेंट आफ्टर टेकिंग एवरीबॉडी ऑल द स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडेंस वी हैव अरेस्टड अमरजीत सिंह सन ऑफ भगत सिंह वासी द डेरा और गुरद्वारा साहब गुरद्वारा निजामपुर मोड़ यस अमरजीत सिंह एक यही एक इंसान आ जिदे खिलाफ असी बाई नेम परचा दिता है और तकरीबन 100 के करीब अनआइडेंटिफाइड ने जिन्हों चो 25-30 मुसल्ला ने आर्मड ने असी मल्टीपल सोशल मीडिया तो वीडियोस कलैक्ट कीतियां मल्टीपल फोटोग्राफ दित्तियां मल्टीपल पुलिस ऑफिसर्स को वेरीफाई किया ओरली वर्बली सारे नु विजुअलाइज किया सीडीज बनाईया मेटिकुलस रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया गेव आर प्रजेंटेशन एंड एवरी वन वॉज गवर्नमेंट वॉज वेरी क्लीयर दैट दिस इज अ क्लीयर कट केस एंड दिस शुड बी डन कोई मुश्किल नहीं आएगी बट मैं दोबारा कहना तुसी ये देखो कि दरबार साहब दे विच होने तो बाद इस चीज़ नू कनैक्ट करने वास्ते सानू कुछ नहीं मिलिया पर सैक्रिलिज होई हुंदी ते असी उन्हूं कनैक्ट कर देंदे साढ़े कोलों अजे तक कोई सैक्रिलिज नज़र नहीं आई चोरी वाली गल जां कोई होर उहदा मकसद अंदर आउण दा जिवें उहने दस्सिया इहने आप दस्सिया कि जदों मैं आवाज़ सुण के उठिया आ 4:30-4 दे करीब ये थले जिहड़ी बाहर इहदी किचन बणी आ उहदे च बैठा इहने अग जलाई हुई सी गर्म कर रहा सी कुछ तो रोटी जिहड़ी उत्थे पई सी उहनूं खाण दी कोशिश कर रहा सी जदों मैं इहनूं फड़न दी कोशिश कीती ते भज गया ठीक है असी जदों सारा कुछ खत्म होने बाद मैं एस एस पी ते मेरी टीम सारे गए हैं असी देखिया देर वॉज नो सैक्रिल ईवेंट फिजिकली विजिबल टू अस दिस इज वट देखो यस असी उदन भी दस्या कि साढ़े 3 पुलिस अफसर ये इंजर हुए थे और आई एम थैंकफुल टू गॉड परमात्मा का बहुत शुक्र रहा जदों गोली चली है 2 गोलियां उन्हें फर्श से मारिया ने उस बंदे ने अनआइडेंटिफाइड बंदे ने असी उदन तुहानू तफतीश क्योंकि सानू सीगा कि पूरी गल सामने आ जाए मेरे एस एच ओ दे दसण मुताबक ही नैरोली एस्केप्ड दैट बुलेट ठीक है दैट इज वाई वी हैव एडेड इवन 307 देखो पुलिस की प्लैनिंग देखो अपनी कोई नहीं होंगी असी तो लॉ एंड ऑर्डर वास्ते फोर्स डिप्लॉय की सारे एफर्ट किए सारी टीम ने रिस्ट्रेंट मेनटेन किया इन एवरी एफर्ट किया कि सिचुएशन जो है वह चाहते ने फर्ज करो फर्ज यह जो उन्हों का मंशा हो कि असी लॉ एंड ऑर्डर खराब करना वी हैव मेड आर एफर्ट कि पब्लिक नू इनकनवीनियंस ना होए लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होए और मैरिट के उपर जो तफतीश हुई है वो तहत एक्शन किया सर बाबा अमरजीत सिंह ने आईएसआई ना और कैट नाल संबंध भी दसे जा रहे ने बड़ी इस गल दी चर्चा हो रही है की कहना सॉरी मैं सिर्फ इतना ही करना चाहूंगा कि ये जड़ी परसेप्शन है कि वो एक कैट है जां ओदे आईएसआई नाल लिंक है इस परसेप्शन दे उपर मेरे वालों इस टाइम ते कमेंट करना पॉसिबल नहीं है तफतीश दे विच कोई गल आउंदी आ मेरे कोई हार्ड एविडेंस हैगा तो मैं दस सकूंगा लेकिन इहो जिहा गल्लां होना कोई पंजाब ने बहुत फेस किया तो ये आईएसआई का रोल मैं टैरोरिज्म भी लड़ी आ असी देखिया है कि इहो जिहा रोल जिहड़ी एजेंसी का तुसी नां लै रहे हो पुराने टैरोरिज्म नूं फाइट करन लग्या साडे कोल बड़े सबूत सी कि वह पंजाब की प्रॉब्लम वास्ते इंज करते रहे I will be able to tell once my team investigates के why did he do it. सर जेड़े बंदे वीडियो चाहिए वो कदों तक कंफर्म होए ये मेरे को टाइम लेंट तफतीश दे विच मैं दस नहीं सकूंगा बट आई अश्योर यू जेड़े फुट भी रहे सिगे उनां नूं उस टाइम उत्ते वो तो वीडियो दे विच कंफर्म ही है तुहाडे मुताबिक कंफर्म ने सर कल का पॉपुलर फेस हो सकता
ਠੀਕ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ SSP ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ